ये जो आप यज्ञ देख रहे हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, अभी अलग अलग प्रकार है। ये पद्म कुंड है, फिर इसके बाद में षटकोण है, चतुर्कोण है, योनि कुंड है, अर्धचंद्राकार है, त्रिकोण है और गोल वृत्त चंद्रमा जैसा। इन सब कुंडों में जब अग्नि निकलती है तो अलग अलग देवताओं की शक्ति लेकर के आती है, इसलिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ कुंड बने हैं। देखो, गायत्री माता कल्प वृक्ष है, तो ये कल्प वृक्ष क्या करता है, हमारे जीवन में जो चाहिए वो माँ गायत्री ये झाड़ में से प्रकट होकर के हमको सब कुछ देती है। झाड़ क्या देता है, तो बोले प्राण देता है। ये जितने झाड़ हैं ये सब हवा देते हैं, तो गायत्री मंत्र क्या है, प्राण स्वरूप है, तो गायत्री माता का सजीव वास झाड़ में रहता है। तो ये झाड़ की गोद में गायत्री माता बैठी है और यह हमको जीवन का विज्ञान देता है, आत्मविश्वास देता है, दिमाग को स्थिर रखता है, हमारे अंदर काम करने की शक्ति देता है, अच्छी बुद्धि देता है, अच्छा विवेक देता है, हमारे परिवार में निर्मलता आती है, दिव्य दृष्टि आती है, सद्गुण आते हैं और सेवा करने का मन करता है। ये अपना शरीर है, तो ये जो शक्ति है अपने शरीर में छुपी हुई है। जब गायत्री मंत्र बोलते हैं तो ये अपना शरीर जागता है, तो जागता है तो क्या जागता है, ये जागते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये अलग अलग चक्र जागते हैं। तो फिर इन चक्रों में जो शक्तियां है, इससे मनुष्य का ये पूरा शरीर चलता है। ये मनुष्य के शरीर का, लिवर किडनी आंतों का, इसका भी गायत्री मंत्र से, गायत्री की उपासना से शोधन होता है। ये यज्ञशाला के आसपास जो ये आप झाड़ देख रहे हैं, ये वो वृक्ष है जो यज्ञ में जिनकी संविधा काम में आती है। औदुम्बर में गुलर जिसको आप बोलते हो, औदुम्बर ऋषि का वास है। बेल में बिल्व ऋषि का वास है। च्यवन ऋषि का वास अवले में, जिन्होंने च्यवनप्राश सिद्ध किया।